चैडी ले लो चैडी। ऐसे क्यों बोल रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? कुछ और बोल के बेचो। अबे साले रुक, तेरे को बताते। कवर ले लो, कवर, पिछवाड़े का कवर। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और भाई लोग क्या हालचाल है? वैसे आजकल तो भाई आप जानती हैं कि लड़कों के सर पर अच्छे अच्छे और अतरंगी हेयर कट करवाने का कितना भूत सवार है। चाहे इनकी सेटिंग भैया दूसरे के साथ ही क्यों ना चली जाए, लेकिन ये बिना बाल कटवाए शादी में नहीं जाते हैं। आज हम आपको दोस्तों कुछ ऐसे ही मजेदार और अटपटे हेयर कट दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो चलिए फिर बिना देरी के भाई शुरू करते हैं आज की ये बेहतरीन वीडियो। नंबर वन, वैसे तो आपने बहुत सारे हेयर कट देखे होंगे दोस्तों, लेकिन अक्सर बालों का स्टाइल तब ज्यादा जोर पकड़ता है जब कोई हीरो अपनी फिल्म में नया हेयर स्टाइल लेकर आता है। ऐसे ही एक भाई साहब आमिर खान के बहुत बड़े फैन थे, और जब उन्होंने आमिर खान की मूवी धूम 3 देखी तो वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे और वो इस फिल्म के भैया इतने बड़े फैन हो गए कि आमिर खान जैसे तो हेयर कट करवाए नहीं, बल्कि उनकी बाइक से मोटिवेट होकर अपने सिर पर बाइक और उस पर बैठे इंसान की पिक्चर बनवा ली। अब ना तो ये बाइक वाला भाई सही से बाइक चला पा रहा है और ना ही सुकून सा बैठ पा रहा है, बस बाइक लेकर खड़ा ही है। नंबर टू, आपने बहुत से लोगों को चश्मा लगाते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन कोई पूरी शक्ल ही पीछे लगा लेगा, ये तो भाई सपने में भी नहीं देखा होगा ना। आप ये देखे, ये भाई साहब अपनी सेटिंग पर नजर रखना चाहते थे, इसलिए इन्होंने सोचा क्यों ना दो की जगह चार आंखें की जाए। फिर इन्होंने अपने सिर पर पीछे एक और मुंह बनवा लिया। अब इनकी सेटिंग तो क्या, कोई लड़की भी इनके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ करने से घबराती है, कहीं ये हमें तो नहीं देख रहा। वाह भाई वाह, क्या जुगाड़ है। नंबर थ्री, अब भाई इस बंदे ने तो हद ही पार कर दी। आप भी देखिए, इसने अपने सिर पर तीन औरतें लटका रखी है। एक बात समझ नहीं आती कि आखिर ये भाई साहब साबित क्या करना चाहते हैं। लगता है ये तीनों देवियां इनकी एक्स रही हैं, इसलिए ये शाहजहां की तरह भाई ताजमहल तो बनवा नहीं पाए, लेकिन अपने गोले पर इन तीन औरतों की फोटो जरूर बनवा ली। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर भाई इन तीनों में बनेगी कैसे। नंबर फोर, अब हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं और आप बताइए कि ये बुजुर्ग बच्चा है या फिर ये अपनी उम्र से पहले ही अपडेट हो गया है। लगता है भाई इस बच्चे ने अपनी आधी जिंदगी तो ऊपर ही काट दिया, लेकिन भगवान ने इसको भी दुनिया में घूमने का मौका दिया और ये अपनी बची कुची जिंदगी इस पृथ्वी पर गुजार के आया। लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये बच्चे का लेटेस्ट वर्जन है या फिर इसका प्रोडक्शन सही से नहीं हुआ। नंबर फाइव, आजकल के लड़के लड़कियों के साथ रहकर भाई लड़कियों जैसी अदाएं सीख गए। अब आप इस नजाकत भरी उमराव जान को ही देख लीजिए, कैसी अपनी अदाओं का जादू चला रही है। लेकिन इसने सर पर ये धागे क्यों लटकाए हुए? अच्छा अच्छा, तो इसका हेयर स्टाइल है। इसके बालों को देखकर भी ऐसा लगता है जैसे कल रात आंधी आई थी और अपने साथ इसके सारे बाल ले गई और बदले में से गिनती के चार डोरे दे गई हो, जिससे गंजे सर की वजह से इनकी अदाओं और नजाकत में कोई कमी ना आ जाए। नंबर सिक्स, इन अंकल का हेयर स्टाइल तो भाई साहब कुछ अलग ही है। वैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि मूंछों की खेती बालों से हो रही है या फिर बालों की खेती मूंछों से हो रही है, इन अंकल ने तो भाई बड़ी कलाकारी से अपना हेयर स्टाइल डिजाइन करवाया जिससे कोई भी इन जैसा हेयर स्टाइल ना रख सके। नंबर सेवन, दोस्तों हर कोई पीके मूवी देखना बहुत पसंद करता है, लेकिन क्या आप भी चाहते हैं कि पीके मूवी का दूसरा पार्ट आए? तो भाई कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। अब सवाल ये उठता है, अगर इस मूवी का दूसरा पार्ट आ गया तो आमिर खान का इस बार भाई लुक कैसा होगा? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, इस बार आमिर खान का लुक कुछ ऐसा होगा, चारों तरफ साफ मैदान और बीच में एक हाईवे। तो कैसा लगा आपको ये हेयर स्टाइल? गजब ना। नंबर एट, आजकल तो भैया लड़कों के चश्मे इतने महंगे आते हैं कि उन पैसों से लड़कियों का एक सूट बन जाता है, इसलिए इन भाई साहब ने सोचा क्यों ना परमानेंट वाला चश्मा बनवा लिया जाए, जिसे बनवाने में ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और चश्मा भी हमेशा लगा रहेगा। इसलिए इन भाई साहब ने ये नया डिजाइन खोज कर नहीं बल्कि खोद कर निकाला है। अब रट्टा ही खत्म बार बार चश्मा लेने का। नंबर नाइन, अक्सर लड़कियों को दोस्तों बर्तन धोने के लिए ऐसे जूने की जरूरत होती है जिससे उन्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और तुरंत ही बर्तन भाई चमचमा जाए। ये भाई साहब इतने बड़े रोमियो के फूफा थे कि इन्होंने बिना पैसे खर्चा किए ही अपने सर का ट्रांसफर एक जूने में करवा लिया। अब इनकी आइटम इनके बालों को ही भाई बर्तन धोने में इस्तेमाल करती होगी। वाह रे आशिक, कमाल है तू। नंबर टेन, अब तो भाई साहब ऐसे ऐसे भयंकर और खौफनाक हेयर स्टाइल चल गए हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आता ये हेयर स्टाइल है या फिर बालों की कोई बीमारी हो गई है। ये देखे, ये महाशय अपनी याददाश्त खो बैठे हैं और एक छोटी लड़की की जिंदगी में चले गए हैं, इसलिए ये एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन सींग जैसी चोटी ही बांधे घूम रहे हैं और ऊपर से चश्मा लगाए हुए हैं जो इनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। इन्हें देखकर भैया ऐसा लग रहा है जैसे किसी राइनो को एक सींग के साथ दो सींग फ्री मिल गए हो। नंबर 11, क्या आपने कभी सोचा था कि कोई जलेबी का इतना बड़ा फैन हो सकता है कि वो अपने सर पर ही जलेबी की खेती कर ले? अगर नहीं भाई तो जरा इस महंगी जलेबी पर नजर डालिए। देख लिया ना जलेबी का जादू जो वाकई में लोगों के सिर पर असर कर रहा है। वैसे कुछ भी हो यार, टापू को बनाया एकदम कलाकारी से, एक नंबर। नंबर 12,
ये क्या है भाई, ब्रेड का पैकेट वो भी सर पर? अरे नहीं नहीं, ये तो हेयर स्टाइल है, इन भाई साहब के मुंह से ज्यादा बड़ा तो भाई ये मधुमक्खी का छत्ता है। वैसे दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपाहिज बिल्ली इस इंसान के सर पर अपनी पूंछ लहरा रही है। कमाल है भाई, कमाल है। नंबर 13। अब ये सड़क कहाँ जाती है, साइड वाली मांग तो लोगों को करते हुए देखा था, लेकिन यहाँ तो भाई मामला ही उल्टा हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोई फ्लाइट इस चिकनी जगह पर लैंड करेगी। नंबर 14। जब किसी इंसान का दिल पचपन की उम्र में बचपन में चला जाता है ना, तो फिर वो लड़की पटाने के लिए ऐसे ऐसे भैया फॉर्मूले अपनाता है कि ये अंकल तो लगता है किसी लड़की को देखकर उस पर फ्लैट हुए पड़े हैं, इसलिए उसे अपनी महबूबा बनाने के लिए दिल गुर्दे सब बनवा रहे हैं। और जनाब की आंखों की नमकीन मस्तियां तो देखिए, कैसे आंखों में अलग ही प्यार की बौछार हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि प्यार आंखों से आंसुओं में बदल कर बह जाए। अंकल तो फुल मूड में, फुल मूड। नंबर 15। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा अगर यमराज की बीवी होती तो वो कैसी दिखती? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको दिखा ही देते हैं। लेकिन इस बेइंतहा खूबसूरत शक्ल को देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो देखो कंजूस ही नहीं, जल्दी से करो। और ये देखे, ये रही वो सुंदर सुशील महिला। इस भयानक भैंस को अगर कोई भूल से भी देख ले तो वो वैसे ही अपनी जान दे देगा। कृपया इस फोटो को बच्चों की पहुंच से मैं तो कहूंगा दूर रखें, कहीं आपका बच्चा शैतान की बच्ची को देखकर सदमे में ना चला जाए। नंबर 17। ये हेयर स्टाइल तो भाई जीता जागता शैतान का रूप लग रहा है। मुझे तो ये सोचकर खौफ आ रहा है अगर इस शैतानी पक्षी को गुस्सा आ गया तो कहीं ये इस शख्स को अपने साथ अपनी दुनिया में ना ले जाए। वैसे बढ़िया यार, फ्री में ही मस्त गगन की सैर करने का मौका तो मिल जाएगा ना। नंबर 18। अबे ये क्या बोला, लगता है लोग नए हेयर स्टाइल के चक्कर में अपना दिमागी संतुलन खो बैठे। ये देखे इन भाई साहब को, अपनी बीवी को डराने के लिए कुछ और नहीं मिला तो इन्होंने ये जानवर ही बनवा लिया। हद है भाई साहब, बिल्कुल हद है। नंबर 19। इस महाशय को इतनी जोर की लगी कि इसने इस बंदे के सिर पर बैठकर ही अपना पेट हल्का कर लिया, और लगता है भाई अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है इसलिए ये अभी भी इसके सर पर ही बैठा है। वाह यार, सर ही शौचालय बना दिया, ये बढ़िया तरीका है पैसे कमाने का। नंबर 20। ऐसी कुर्सियां तो भाई हम लोग मकमल के बिस्तर को छोड़कर इन्हीं पर बैठना पसंद करेंगे, बल्कि इन्हीं कुर्सियों पर बैठे बैठे अपनी पूरी जिंदगी भी गुजार देंगे। वैसे किसने बनाया ये नायाब अजूबा, कुछ भी हो इसे देखकर कोई भी अपना होश खो बैठेगा। नंबर 21। अब बस यही कमी रह गई थी, ये लोग आते कहाँ से और कितना दिमाग लगाते हैं। कुछ नहीं तो सर पर बिच्छू और उसकी कुपोषित पूंछी बना डाली। वाह भाई, मौज कर दी। नंबर 22। इस लड़के पर नजर डालिए, जरा कोई से पूछे ये भाई आगे का खेत इतना सूखा और पीछे इतनी हरियाली का कारण क्या है? आगे ज्यादा गर्मी लग रही थी या फिर पीछे ज्यादा सर्दी लग गई? तो सर की खेती का ही बंटवारा करवा दिया शायद। और ये बीच में कमजोर हैंडपंप, लगता है ये दोनों खेतों में पानी देने के लिए लगाया गया ताकि पानी की कमी ना पड़े। नंबर 23। ये बढ़िया घोंसला है भाई अंडे देने का। पहले तो मुर्गी आराम से इस घोंसले में अंडे देगी, फिर जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो तुरंत ही उस अंडे को बेच भी आओ। ऐसी डलिया भाई आप भी अपने लिए बनवा लें, बुरे वक्त में काम आएगी या फिर राशन लाने में तो हेल्प करेगी, है ना। नंबर 24। अगर आप इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं तो हम आपके लिए दोस्तों एक बहुत ही मजेदार उपाय लेकर आए हैं, जिससे आपको देखते ही हर कोई समझ जाएगा कि आपका चिन्ह क्या है और फिर वो आपको जिताएगा। इससे ना तो आपको अपना गला फाड़ना पड़ेगा और ना ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन इस राज को जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये रहा वो खास उपाय, आप भी अपने टकले सर पर भाई ऐसा चिन्ह बनवा लो। वैसे इसे देखकर ये समझ में नहीं आ रहा कि अपना चिन्ह बता रहा है या फिर इस पर किसी ने अपना चिन्ह जड़ दिया है। नंबर 25। वैसे तो भाई आपने गाना सुना ही होगा, अखियों से गोली मारे, लेकिन आजकल तो भाई लड़के भी अपनी आईब्रो से गोली चला रहे हैं। ये देखिए इन भाई साहब पर भी गुंडे बनने का भूत सवार है, इसलिए फ्री की बंदूक से ही अपने बचपन का सस्ता शौक पूरा कर रहे हैं। नंबर 26। लगता है इसे इस खेत का सफाया करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसलिए दिन रात बस अंकल के सिर पर ही खड़ा है। और जिस स्पीड से भाई ये काम कर रहा है ना, लगता है जल्द ही मैदान जो है वो साफ हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, सबसे बढ़िया क्लिप कौन सी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।